हेलो, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे तो आलू आटा में भर के ऐसे तो सभी तरह के लोग बनाए हैं, बट मैं आज थोड़ा डिफरेंस तरीका से बनाने जा रही हूँ। मैंने एक ये आलू है, मैंने इसे एक कटोरी भर के मैंने आटा ले रखा है, और ये चार पांच छोटे आलू। अगर बड़े आलू हो तो दो से काम चल जाएगा, हमारे छोटे हैं तो मैंने चार पांच ले लिया है। इसको मैंने इसमें डालूंगी, इसको मैश कर लूंगी पहले आटा में। मैंने इसको मैश कर लिया आलू को। अब मैं धनिया का पत्ता थोड़ा सा और एक हरी मिर्च काट के मैंने रख लिए हैं, ये मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी थोड़ा सा जीरा पाउडर हाफ टीस्पून, और हल्दी। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, नमक इसको अच्छा से मैश कर लूंगी मैं। हल्का हल्का मैंने मैश किया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ी दर दरे से है। देखिए, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए, ये हमारा एक होल रेडी हो गया। ये मैंने पानी डाल के इतना ऐसे थोड़ी दरदरे आलू रखे हैं ताकि हल्के, देखिए तब बच्चे लोग भी पसंद से खाएंगे ना। ये देखिए, मैं इसे बना के देखा तो मैंने इधर क्वीन चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूँगी, रिफाइंड मैंने डाला है। आप चाहे घी भी, मक्खन भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, घी में बना सकते हो, या फिर बहुत लोग बटर में भी बनाते हैं, पर मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ। बहुत लोग इसको घी में बनाते हैं, और खैर पराठे में मक्खन डाल के खाते हैं, घी में भी बनाते हैं, बटर में वगैरह में बनाते हैं, बट मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ ये। देखिए, पेन हमारा रेडी हो गया, तेल भी गर्म हो गया। ये देखिए, बहुत लोग को मैं तो हाथ से करती हूँ। ये देखिए, ऊपर में अभी उधर नीचे साइड सीख गया है। ये देखिए, मैं इसको पलट दूंगी, थोड़ा सा फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ज़्यादा वो फ्लेम रखने से पराठे जल जाएंगे, तो इसलिए फ्लेम को लो ही रखना है। देखिए, अब इसको मैं पलट दूंगी। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए, ये हमारे पराठे रेडी हो गए। तो मैं इसे सॉरी, मेरे हाथ के वायलेंस बिगड़ गए, तो मेरे से पराठे एक टूट गए थे। ये मैं आपको दूसरे पराठे बना के दिखा रही हूँ, इग्नोर कर दीजिएगा उसको प्लीज। ये देखिए, वो कभी हो जाता है ना, काम किचन में काम करते हैं हम, तो हमसे हो जाती है छोटी मोटी चीज़।
लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि आटा जो है ना अच्छा से हमारे सीज जाए, नहीं तो आलू तो सीजे हुए हैं और ये क्या बोलते हैं आटा कच्चा ही रह जाएगा, इसी वजह से लो फ्लेम पर पकाने से टाइम लगता है बट अच्छा बन जाता है। देखिए वन साइड हो गया, मैं अब इसको पलट दूँगी। देखिए हमारे पराठे दोनों तरफ से पक गए हैं, अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए आलू के पराठे हमारे रेडी है, और इसको आप सॉस के साथ या दही के साथ या फिर तीखी चटनी के साथ आप कैसे भी करके खा सकते हैं, आपको अच्छा ही लगेगा। जैसे आपकी चॉइस है दही खा सकते हैं सॉस के साथ, मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। सो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी, राधे राधे।